गया। काका काकी ने तीर्थ करो ने गंगा जी भी। वाह कुशल वाह, जीता रहे बेटा जीता रहे। प्रणाम पंडित जी। ब्रह्मणे गाकुरे त्वको अच्छा मनसो न प्रयुक्ति महिम मित्रस्य वरुणस्य हासिन रतुंजय सेरीरथाः सुवृत्तिम् यजमान पूजा संपूर्ण हुई, अब आप प्रण लेकर पूजा समाप्त कराएं। आप अपने पूर्वज के पीछे कुछ छोड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ूं कुशाल बेटा, मेरे पास प्रिय अप्रिय वस्तु तो तेरी काकी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। कम से कम इस बुढ़ापे में तो नहीं छोड़ सकता। अरे मुझे यहाँ छोड़ दो तो अच्छा ही है। यहाँ कम से कम हरिद्वार में बैठे बैठे मंदिरों में भजन तो करूंगी और यही गंगा जी में
हरिशरण हो जाऊंगी। अरे काकी ऐसे कैसे? कैसे कुछ साल? तेरी काकी की बात ठीक लगी है ना बेटा? है यजमान, यहाँ हंसी उड़ाने को कोई समय नहीं है। गौधूली वेला हो रही है, हमें कार्य संपन्न करवाना है, वो भी सूर्य अस्त के पहले। पंडित जी पैसे दिए हैं, पूजा मुफ्त में नहीं करवा रहे हैं। ज्यादा भाव दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या करूं? देखो आप। देखो क्या? अरे बहुत देख लिया। तुम हमारे पंडित हो, तुम्हें हमारे लिए समय देना ही पड़ेगा। यजमान मेरा कार्य संपूर्ण हो चुका है, बस आपको कुछ छोड़ना है तो उसका प्रण कर लीजिए। अरे बखत और जगह का तो ख्याल किया करो। अरे पंडित जी से क्यों झगड़ रहे हो? काका, काका मैं बताऊं कि क्या छोड़ना है? हाँ बताओ। तो लो जल, अंजलि में जल लियो, लियो। ये भरा अंजलि में जल। क्यों पंडित जी तैयार? तैयार यजमान। काका तैयार? हाँ। तो आपको अपना क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है। इसने करके क्रोध जगत में क्या खोया क्या पाया, इसने करके क्रोध जगत में क्या खोया क्या पाया, औरों को दुख दिया यहाँ पर खुद का खून जलाया। आखिर इसने समझ लिया कि गुस्सा है बेकार। क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार, क्रोध पर कर लो जरा विचार। मैं भी इस क्रोध से बहुत तंग आ चुका हूँ, मुझे क्रोध छोड़ ही देना चाहिए। ले बेटा। ये ठीक है, छोड़ दो। आज से मैंने क्रोध छोड़ दिया। जय हो, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। जय गंगा मैया, जय गंगा, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। यजमान आप क्या छोड़ रहे हैं? मैं अगली दफा आऊंगा तब कुछ ना कुछ जरूर छोड़ूंगा पंडित जी। हाँ। कोई बात नहीं। अरे मेरे बेटे में तो कोई ऐ भी नहीं है तो क्या छोड़ेगा? हा? तू तो बेटा बस मेरे मरने के बाद मेरे फूल गंगा जी में बहा दे। अरे नहीं काकी, अभी उसमें बहुत वक्त है। पूजा संपूर्ण हुई, मैं चलता हूँ। जय गंगा मैया। जलै समुद्र सहिता पूर्व
ब्रह्मार्पणम्। ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। हरिद्वार गया हसा गंगा स्नान वास्ते। पुण्य कमो काका काकी ने गंगा स्नान करा ने पुण्य कमाई हसा। बढ़िया करियो सा।
बैठो सर, बैठो बैठो बैठो। और सुनाओ ठीक है? बस ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है सर। बस ऊपर वाले अलमारी में। हाँ पुत्र, अभी बताओ आप कौन हैं? आप नहीं पहचानते ना? आपको याद होगा पाली में रामदयाल जी की बेटे की शादी में गए थे, वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ याद आ गया, अच्छी तरह से याद आ गया। आपने अपने लड़के के बारे में बात की थी शायद। हाँ इसलिए आए हैं ये। अब याद आ गया अच्छी तरह से। बड़े भाग हमारे जो आप बता रहे। बिल्कुल बता किया। हाँ जोधपुर तक आया था, सोचा आपसे मिलता चलूं। जोधपुर से ज्यादा दूर तो है नहीं। नहीं बहुत बढ़िया किया गया। राम भाई दुकान संभालना, मैं मेहमान को घर लेकर जा रहा हूँ। नहीं नहीं घर नहीं चलूंगा, अभी जल्दी जाना है वापस। ब्यावर भी जाना है आज की तारीख में, और परसों मुझे मद्रास के लिए गाड़ी भी पकड़नी है। अच्छा अच्छा, घर चलकर देखते, काका काकी से भी मिल लेते, मेरे तो माँ बाप सब कुछ मेरे तो वही है। नहीं नहीं अब की बार कभी आया तो उनसे जरूर मिलूंगा, मुझे भी आशीर्वाद लेना है उनसे। नहीं नहीं जैसी मर्जी आपकी। और कौर साहब क्या कर रहे हैं? बीकॉम तो कर ली है और एमकॉम करना चाहता है। मैंने कहा धंधे में हाथ बटाओ, और पढ़ाई जितनी करनी थी अब कर चुके। प्रताप कह रहा है मैं एमबीए करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कंवर साहब का नाम प्रताप है कैसा? हाँ प्रताप है। आपने भाई साहब कितनी में पढ़ रही है? 11वीं पास करी है सर। तब तो उम्र का ज्यादा फर्क भी नहीं है, 3-4 साल का फर्क इतना तो होना भी चाहिए। ये मेरे लड़के प्रताप का फोटो है और ये जन्म पत्री है। नाम क्या है? कौशल्या सर। जन्म की तारीख? ये ठीक तो याद नहीं है, कोई अगस्त का महीना है। और सन? यही कोई पिछली ऐसी। ठीक है बाद में भिजवा दी। कौशल्या बेटा खाना लाई है। लो शांतिलाल जी खाना भी आई गया। ये लो खाना जी मिले। क्यों कौशल्या, खाना आज तूने बनाया या तेरी माँ ने बनाया? शांतिलाल जी यह है मेरी बेटी कौशल्या, आप मिल भी लो और परख भी लो। और बेटी कौशल्या आप है शांतिलाल जी, तुझे देखने आए हैं, पांव धो करो। अभी 12वीं में क्या सब्जेक्ट लिया? जी कॉमर्स। वाह बहुत बढ़िया। लो भोजन करो। भोजन के मंगवार के बाद यात्रा करना उचित भी नहीं होता, इसका अनादर भी होगा, इसलिए 2 और दिन लूंगा और लेके जाऊंगा। लीजिए। ले बेटा ये जन्म पत्री और ये कंवर साहब की फोटो तेरी माँ को ले देना। हाँ बाबा। Thank you.
खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, तो मैं ये बात पक्की समझू? मेरा बेटा मेरी बात टालेगा नहीं, आप कहें तो मैं बात पक्की समझ कर ही घर जाता हूँ। आप हाँ कर दें तो आने वाले दिनों में कोई अच्छा सा दिन देखकर मैं उसका मुहूर्त कर दूंगा। शर्मा मन
काल जो धड़के भरो जीवाणु तो फड़के ओ जीवाणु तो फड़के धड़क काल जो धड़के भरो जीवाणु तो फड़के ओ जीवाणु तो फड़के ओ अंग अंग बट खावे मारो कौशल्या। ए कौशल्या जा उधर जाके डिब्बा और चिलम लेके आ जा। कुशाल के काका, अरे कुशाल के काका, कौशल्या बड़ी हो गई है। अरे इसके बाप को तो कोई फिकर है नहीं, आप ही कहीं इसके रिश्ते की बात चलाओ ना। हाँ, कुशाल को तो अपने व्यापार धंधे से फुर्सत नहीं है, जो वो कौशल्या की शादी के बारे में सोचे। और बीनणी बेचारी औरत जात करे भी तो क्या, अरे ज्यादा से ज्यादा बोल ही सकती है अपने धनी से। खुशाल से बात करूंगा मैं। क्यों, खुशाल से क्यों बात करोगे? अरे कौशल्या आपकी भी तो पोती है ना, अरे आपका भी कोई फर्ज है कि नहीं उसके प्रति? फिर ठीक है, कभी न्याय जात में जाने का मौका मिला तो बात चलाऊंगा मैं। वाह 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 वाह, जाने कब आपकी न्याय जात इकट्ठी होगी और आप बात करोगे। अरे जिस घर में लड़की बड़ी हो जाती है वहाँ 100 चिंताएं खड़ी हो जाती है। अरे कुशाल तो भी नादान है, आपके होते वो बेफिकर है और वो फिकर करे भी क्यों? आप तो मेरी बात सुनो, अब आप
तो बस जात बिरादरी में कोई अच्छा सा रिश्ता देख कर उसकी बात चलाओ। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं कुशाल से इस संबंध में मैं कुशाल से इस बारे में बात करके आता हूँ। अरे पर अभी के अभी? अरे काल करे सो आज कर। अरे ये गमछा सिर पे बांध के जा रहे हो अब? अरे कम से कम गमछा तो दूसरा ले लेते। अरे कौशल्या जा दौड़ अपने काका को दूसरा गमछा दे। राम राम कांजीबा। राम 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 राम। आओ केशव आओ, किधर से आ रहे हो? आ नहीं जा रहा हूँ कांजीबा, केशव की दुकान जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक सा ठीक भाई, एक बात तो कहनी पड़ेगी, कुशाल है बहुत मेहनती और किस्मत का धनी भी। अब उसे तो पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, पूरा बनिया बन गया वो। हर बात में नफा नुकसान देखता है। उस बनिए को समझा आता हूं कि पहले लड़की के हाथ पीले करे, पैसा तो बाद में भी कमा लेगा भाई। अरे केशव तुमको कुशाल को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा सयाना है, वो कुशले की शादी की फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। शेठ कुशाल दास की कबरी है कौशल्या, तभी तो लड़के वाले खुद आए थे तुम्हारी चौकट पर। कब कांजीबा? अच्छा चौकट नहीं तो दुकान ही सही। आए थे वो क्या कि तुमने चौकट कहा ना, इसलिए वो दुकान पर आए थे। अच्छा कांजीबा, अच्छा अच्छा नमस्ते। राम 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 राम। कांजीबा मुझे लगता है केशव बाबा बुढ़ापे में सटिया गए हैं, अभी तो कह रहे थे कुशाल की दुकान जा रहा हूँ तो रास्ता तो इधर है और केशव काका गए घर की ओर। ये तो अब देखो तो कौन आया है। अरे कौन है कौशल्या? ओ कौशल्या देख बेटा कौन है। आप भी किसे बुला रहे हो? कौशल्या आपकी बीनणी, कुशाल आपका पोता गणेश दिन भर घर पे रहते ही कहाँ है? अरे पूरा परिवार तो दुकान के पास बन रहे कमरे पर ही रहता है, बस रात को आते हैं सोते हैं और सुबह उठकर खाना बनाकर फिर से दुकान पर। ये तो मैं हूँ, आओ आओ सगा जी आओ। राम 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 राम। आओ सगा जी आओ। राम राम सर। राम राम का कैसा? राम राम बिराजो। आज इधर कैसे आना हुआ? काका बस आपके दर्शन करने आ गया, कंवर साहब तो जोधपुर गए हैं, शाम तक आएंगे, उन्होंने कहा कि घर से बिस्तर और रसोई का सामान ले आना। क्यों अब वहीं घर बसाने का इरादा है? ये तो पता नहीं मुझे, इतना ही कहा था दुकान पर काम ज्यादा होने की वजह से अब बासन बिस्तर वहीं मंगा लेते हैं। सुन लिया तुमने, कुशाल का परिवार दुकान के पास वाले घर में ही रहेगा, सगा जी बिस्तर बर्तन लेने आए हैं। पर क्यों? ये तो आप अपने कुशाल से ही पूछना काकी। सुन लिया तुमने, ले जाओ भाई ले जाओ। रुक्मणी इनको बता दो क्या क्या कहां रखा है। अब पर अब ले जाओ
ले जाओ ले। आओ। लगता है शक्कर डालना भूल गई। आप इतनी देर से फीकी चाय सुड़क रहे हो, लाओ मैं। बस कह नहीं सकते थे कि चाय में मिठास नहीं है। अब तो जिंदगी में भी मिठास नहीं रही, चाहे बेचारी क्या। रुक्मणी, क्या तो हंसता खेलता परिवार था, और आज जिंदगी में सब दिन एक सरीखे नहीं होते। अरे कभी रंग तो कभी बदरंग, सब दिन एक सरीखे होते तो लोग सुख दुख का मतलब कैसे जानते। पहले तो ऐसा, और अब अरे बुरा वक्त आता है तो तन के कपड़े भी बैरी हो जाते हैं। ऐसा हमने किया ही क्या था जो कुशाल अपने परिवार को लेकर अलग जा बसा। हमारे लाड़ प्यार में जरूर कुछ नहीं। नहीं, आपके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रही। आपने तो उसे अपने बेटे की तरह रखा। पहले उसकी माँ गई तो मैंने उसे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। फिर जेठ जी के गुजर जाने के बाद आपने उसे अपने कलेजे से लगाए रखा। नहीं रुक्मणी, नहीं। अरे इस तरह बोलकर अपने आप को छोटा मत करो भाई, तुमने तो अपना फर्ज निभाया है। और फिर कुशाल तो अपने परिवार का ही खून है। सही कहते हो, अगर अपना सगा बेटा होता और वो हमें इस तरह छोड़कर चला जाता तो किसे दोष देते। फिर तूने तो दुनिया देखी है रुक्मणी, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आता कुशाल के काका कि औलाद अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर क्यों और कैसे चली जाती है। पता नहीं रुक्मणी,
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुशाल वापस आएगा हमसे क्षमा मांगने। अब इतने भोले भी मत बनो कुशाल के काका। अरे पता है उसने नया घर बनाया। हाँ हाँ। आपको बताया नहीं ना? अपने नए घर में प्रवेश पर होम किया, हवन किया, हरे गृह प्रवेश पर पूरे गांव वालों को न्योता दिया। नहीं दिया तो सिर्फ हमें। भूल गया होगा वो। अब सही कहा आपने, अब सही कहा आपने, भूल गया अपने काका काकी को। नहीं रुक्मणी, वो बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। न्योता किसे देगा? हमें? अपने परिवार वालों को? अरे न्योता देने का अधिकार तो हमें है। फिर हम खुद दूसरों को न्योता देंगे। किस किस को न्योता दिया आपने? अरे क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो अपने आप को? उसने हमें नहीं बुलाया है, हम नहीं जाएंगे बस। नहीं रुक्मणी नहीं, इतनी कठोर मत बनो। अरे कृष्ण को पाला तो यशोदा और नंदी ने ना, लेकिन वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। यशोदा ने कभी उलाना दिया? मैं इंसान हूं, यशोदा माता नहीं हूं मैं। अरे इंसान और भगवान सब अपने कर्मों से बनते हैं रुक्मणी। हम अपना काम तो कर ही सकते हैं ना? तो हम जाएंगे। हमें किसी ने बुलावा तक नहीं दिया। हम अपना घर, अपना अधिकार, अपना हक समझकर जाएंगे। हाँ, और हमें किसी ने पूछ लिया कि किसके बुलावे पर आए हो तो? कौन कौन पूछेगा? खुशहाल की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मुझे पूछे, और कोई दूसरा पूछे तो पांव में जूता रखता हूं। और अगर गए ना तो हमारी इज्जत पे चार चांद नहीं लग जाएंगे? हाँ, उल्टे लोग कुशाल से पूछेंगे, तूने अपने काका काकी को नहीं बुलाया तो उसकी शान खराब होगी। और यही सवाल अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि कुशाल ने तुम लोगों को क्यों नहीं बुलाया, तो कोई जवाब है तुम्हारे पास सिवाय इसके कि उसने हमें बुलाया ही नहीं? लेकिन रुक्मणी, ये क्यों फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा? सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, इतने सवाल कि तुम जवाब देते देते थक जाओ। और ये जमाना तरह तरह की कहानियां गढ़ गढ़ कर सुनाएगा, मजे लेगा। फिर कहना मानो रुक्मणी, चलो वहां जाने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अरे अपने लिए ना सही, कुशाल और उसके परिवार के लिए चलो। लो हम चलते हैं। ठीक है, जैसा आप कहो। अभी चलते हैं।
कहां ले आए हैं आप? मुझे तो बड़ा अपमान महसूस हो रहा है यहाँ। क्यों? अब तक कुशाल ने या उसके परिवार में से किसी ने आपको पूछा? उसके परिवार की नहीं है। रिश्ते कितने जल्दी बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अपना पल में पराये हो जाता है रुक्मिणी। अब यहां मुझे नसीहतें देने लाए हो क्या? वो देखो। क्या रुक्मिणी? कुशाल अभी दिखा? दिखा था तो अब तक आया क्यों नहीं आपको पूछने? अरे मैंने उसे देखा, उसने मुझे थोड़ी देखा। वो आ रहा, मैं उससे मिलकर आता हूं। ठहरू तू यहां। अब अरे रमेश सुन, इधर संत महात्मा को परोस भाई। हाँ उधर भी, उधर। हाँ मिठाई। हाँ उधर उधर। नहीं नहीं तू पहले उधर परोस। हाँ उधर परोस। मिल आए अपने कुशाल से? हाँ वो जरा कामकाज में बहुत ही व्यस्त है। पता नहीं क्या हो गया है आपको, अपने मान अपमान का भी ख्याल नहीं। आजकल तो आपको रीस भी नहीं आती। नहीं रुक्मिणी, अब अगर आ ही गए हैं तो थोड़ा अपमान और सहन कर ले। अच्छा थोड़ा मैं तुम्हारा कहा मान लेता हूं, थोड़ा तुम मेरा कहा मान लो। चलो हम लोग भोजन करके निकल लेते हैं यहां। क्यों? घर में आटा खत्म हो गया है? अरे राम जी ने सलामत रखा तो मरते दम तक रोटियां बनाकर खिलाऊंगी आपको। चलो चलो यहां से। देख लोगों ने हमें यहां देख लिया है। अरे पर अरे बिना भोजन गए तो 50 बातें बनाएंगे। उचित यही है कि हम चुपचाप थाली लेकर बैठ जाएं और 2 खा करके निकल जाएंगे। आओ तुम मेरा कहा मानो। पहले उधर से पुरस्कारी करो और पहले मीठा पुरस्कार। हाँ
चलो। काका क्यों रे कुशाल, कैसा है तू? काका मेरे दुस्साहस के लिए मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो काका, मुझे मेरा गुजार काका, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो काका, मैं हारा और आप जीते काका, जीते। क्यों रे गुसाल, तूने ऐसा क्यों किया? काका मैं तो बस देखना चाहता था कि हरिद्वार में गंगा में जल छोड़कर जो रीस ना करने का वादा किया था उसे निभा पाते हैं या नहीं। हाँ काकी, इसीलिए आज तक काका का इंतहम पे इंतहम लेते रहे। काका आप सिर्फ काका ही नहीं, एक महान इंसान भी है। मेरे पास सब नहीं है, मैं बार बार आपके सम्मान को चोट पहुंचाता रहा, लेकिन आप हमेशा अपने क्रोध को भगवान शिव की तरह। काका मैं माफी के योग्य नहीं हूं, आप मेरी इन गलतियों के लिए मुझे कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे डांटिए काका, मुझे डांटिए। रुक्मणी मैं नहीं कहता था, हमारा कुशाल ऐसा हरगिज नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, आपका कुशाल ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आज तो इनके गर्भ प्रवेश का जीमण भी नहीं है, ये देखो गरीब और साधु संतों के लिए ये आयोजन है। अब तो आप अपने बच्चों को माफ कर दो काका जी। मेरा बच्चा मेरी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ गई थी, जो मैं सच को पहचान नहीं सका, अपने बेटे को नहीं पहचान सका। अरे अरे मेरा पोता कहाँ है? गणेश कहाँ है? अरे गणेश इतना बड़ा हो गया, मेरा पोता। काकी आपको क्या पता आपके बिना हमने कैसे घुट घुट के दिन निकाले हैं, सिर्फ आपके बेटे की बात रखने के लिए। हाँ दादी, मैं और माँ आपको याद कर करके खूब रोते थे। तो काकी मर तो नहीं गई थी? यहीं इसी गांव में थी? आपके बेटे ने मना किया था काकी। अब मैं आपको उस गांव वाले मकान में नहीं रहने दूंगा, मैंने नया मकान बनाया, ये आप ही का है। आइए अपने घर चलिए काका। संत
सुनावे शब्द साखियां कभी क्रोध नहीं करना। संत सुनावे शब्द साखियां कभी क्रोध नहीं करना। रखना सब सुहेत जगत में भव से पार उतरना। प्रेम करण वाले की नैया प्रेम करण वाले की नैया हो जाती है पार। काकी आओ, यही है सब धर्मों का ये आप कहीं कर रही हैं जीवन का श्रृंगार। यही है सब धर्मों का सार। प्रेम है जीवन का श्रृंगार।